की हाल है? सब ठीक है? चलो, मैं हाँ तोड़ा अपना डॉक्टर डॉक्टर नवनीत कालरा, और अबुन आपको आज बताइला कि आप अमित जी के घर में जो हुआ वो कैसा हुआ मैंने बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर गलती कहाँ कहाँ पे हो रही है हम लोगों से। हम लोग मास्क भी यूज़ करते हैं, हम लोग सैनिटाइज़र भी यूज़ करते हैं, फिर भी गलती हो रही है। बताता हूँ कैसे गलती हो रही है, ध्यान से देखना। आज थोड़ा डेमो दे रहा हूँ। ये लगाया मैंने मास्क, सॉरी, ये मैंने लगाया मास्क, आप देख रहे हैं मास्क, इस तरह से मास्क लगाते हैं लोग, ज्यादातर लोग इस तरह से, जहां पे आपकी नाक, क्योंकि ये मास्क इतने ढीले होते हैं, ये सर्जिकल मास्क कैसे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन ये इतने ढीले होते हैं, ज्यादातर केसेस में मास्क इस तरह से लगा होता है नाक के नीचे, बस हो गया बेड़ा गरक। उसके बाद क्या होता है, अब मैंने मास्क लगा के, अब मैं ये मास्क लगा के बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? अब मैं बाहर गया, मेरा मास्क ऐसे लगा हुआ था, धीरे 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 ये कब नीचे आ गया हमें पता ही नहीं चला, और मैं एक दुकान के अंदर गया। मैं एक दुकान के अंदर जाता हूँ सामान लेने के लिए, और सामान लेता हूँ, अपनी गाड़ी से उतरता हूँ, और जब उस दुकान में पहुँचता हूँ तो बाहर मुझे कहा जाता है कि आप अपने हाथ सैनिटाइज कर लीजिएगा। मैं अपने हाथ सैनिटाइज कर लेता हूँ, साफ कर लेता हूँ, अंदर जाता हूँ दुकान के उस ग्रोसरी रूम में, वहाँ सामान ढूंढता हूँ, पिकअप करता हूँ, वापस आता हूँ, कुछ सामानों को हाथ लगाता हूँ और वापस आता हूँ और पैसे देता हूँ और सामान अपनी गाड़ी में रखता हूँ और बैठ जाता हूँ आके। इतने में मेरा फ़ोन आ जाता है, तो मैं फ़ोन पे बात करने लग जाता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, बहुत देर से मास्क लगा रखा, तो मैंने थोड़ा सा नीचे कर लिया, फिर मैंने फ़ोन को रख दिया। उसके बाद मैंने पसीने आ गए, मैंने अपना ऐसे करके इस तरह से मास्क को नीचे किया और इस तरह से साफ कर लिया, फिर मास्क को मैंने ऊपर कर लिया। आपने देखा कहाँ गलती हुई, क्योंकि मैं जिस जगह गया ग्रोसरी आइटम में, मैंने जाते हुए तो सैनिटाइजर यूज़ किया, लेकिन आते हुए मैंने सैनिटाइजर यूज़ नहीं किया। नंबर वन गलती कि मुझे निकलने के से पहले भी अपने हाथों को सैनिटाइज कर लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि और इस बीच में इस दुकान के अंदर मैंने कितनी बार अपने मुंह को हाथ लगाया, मैंने अपनी आंखों को हाथ लगाया, मुझे नहीं पता। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, स्टाफ था, जिसमें से किसी को भी कोरोना हो सकता है, और बाहर से भी लोग आते हैं, उस एयर में कोरोना हो सकता है, लेकिन एक तो मेरा मास्क की गलती, ये मास्क जो है ये सिर्फ नाक के नीचे रहता है, क्योंकि आप चश्मा भी लगा रहे हो, ये मास्क मेरा ऊपर इस तरह से नहीं रहता। अगर रहता भी है तो इतना ढीला है, ये इतना ढीला है, इसका लगाने का कोई फायदा नहीं है, और ये ऐसे नाक के नीचे रहा। और एक गलती ये हुई, दूसरा गलती क्या हुई, दूसरी गलती ये हुई कि मैंने अपने हाथों को सैनिटाइज नहीं किया निकलने से पहले, जाते हुए मैंने कर लिया लेकिन वहां नहीं किया। दो गलती हो गई मेरे से। तीसरी गलती कि मैंने इस दौरान दुकान के अंदर, ठीक है, अपने मास्क को दो तीन बार इधर सामान को हाथ लगाया, उसके बाद मैंने अपने मास्क को हाथ लगाया, ऊपर करा, फिर नीचे किया, पूछने के लिए, बात करने के लिए, मैंने थोड़ी देर 1 सेकंड के लिए मैंने नीचे करा, मैं जगह जगह हाथ लगाता गया सामान को, अपने मास्क को भी हाथ लगाता गया, अपने चश्मे को भी हाथ लगाता गया, और लेकिन मैं ये भूल गया कि मैंने जिस सामान को हाथ लगाया, जिस जगह को हाथ लगाया, वहाँ पे वायरस था, फिर वो हाथ मैंने अपने मास्क को लगा लिया और वो वायरस से ग्रसित हो गया मेरा मास्क। एक तो वैसे ही पूरा सूरा मास्क है ना, तो वो वायरस यहाँ मास्क में लगा और ये हो गया कल्याण, पहुँच गया आप तक। अब क्या हुआ, अब आप गाड़ी में आए, ठीक है, और अपनी गाड़ी में आए या बाइक पे आए या जो भी है, जो भी आपके पास, ठीक है, अब आपने हाथों को वॉश नहीं किया, और आपने क्या करा, पहले फ़ोन उठाया अपना, फ़ोन पे बात करी तो फ़ोन पे वो वायरस लग गया, और फ़ोन आपने रख दिया, फोन पे वायरस लग गया, क्योंकि आपने निकलते हुए सैनिटाइज नहीं करे अपने हाथ। एक गलती ये थी, दूसरा ये था कि हमारा मास्क इतना रहता है नाक के नीचे, अब आपने उस फोन पे वायरस को लगा दिया, फोन जब किया। तीसरी गलती, अब आप उसको उतारते हुए यूं उतारा, और इस पे तो वैसे ही वायरस लग चुका था, इसके ऊपर वैसे भी वायरस लग चुका था, इसको हमने उतारा और गाड़ी में यूं साइड में रख दिया, उसी फोन के पास इसको भी रख दिया, और फिर दूसरी जगह गए, या फिर हमने आज इसको गाड़ी चलाते हुए
थोड़ा सा नीचे कर लिया क्योंकि बड़ी देर से लगा हुआ है। तो गलतियां कहां कहां पे हो रही है आप देख रहे हो, आपको मैं बताता हूं असली गलतियां कहां कहां पे हो रही हैं। कि जब हम बाहर जाते हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, अगर आप बाहर जाते हो आपको ये मानना पड़ेगा, किसी भी शॉप में जाते हो, बैंक में जाते हो, आप ये मानना पड़ेगा ये कोविड वाला एरिया है, कहीं पे भी कोविड के वायरस हो सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को टच करोगे, दीवार पे लगोगे, टिका के खड़े हो गए, बैठ के किसी चेयर पे, तो हर जगह वायरस हो सकता है। आपको ये मान के चलना पड़ेगा, मैं पहले बोल चुका हूँ, सामने वाले को कोविड है जिससे भी आप बात कर रहे हो। अगर आप मास्क, इस तरह का मास्क लगा रहे हो, ज़्यादातर लोगों के मास्क ऐसे ही हैं, ये तो फिर भी थोड़ा बेटर है, लोग इतना ब्लैक कलर का मास्क ऐसे लगाते हैं, या खाली चुन्नी लपेट लेते हैं, और चुन्नी आधी नीचे होती है आधी ऊपर होती है, कभी ऊपर का तो कभी लेडीज़ जो मैंने खास तौर पे देखा, या आदमी रुमाल बांध लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम उसको कंटिन्यूस यूज़ नहीं करते हैं, कभी नीचे करते हैं कभी ऊपर करते हैं, कभी हाथ इस सामान को लगाते हैं कभी उस मास्क को लगाते हैं, तो मास्क इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और इस तरह के मास्क का तो कोई यूज़ ही नहीं है जो नाक के नीचे रहता है। अगर आपका मास्क नाक के नीचे रहता है तो इसका कोई यूज़ नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि मास्क लंबे समय तक लगाने में प्रॉब्लम होती है लोगों को, वो थक जाता है इंसान, उसको सांस फूलना शुरू हो जाता है, उसको सफोकेशन होता है, इस चक्कर में वो नीचे कर लेता है। मेरे क्लिनिक पे जितने लोग आते हैं मैं उनको देखता हूँ कि जब वो मेरे से बात कर रहे हैं तो मास्क नीचे करके बात कर रहे हैं। मेरे को क्यों, आपने अभी तक मास्क लगा के बैठे थे, जब मैंने आपसे बात करनी शुरू करी तो आपने मास्क नीचे कर दिया, क्यों कर रहे हो नीचे, मैं शोर मचाता हूँ, क्यों कर रहे हो नीचे, फिर वो फटाफट ऊपर कर लेता है। ये अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है कि आपको बात करते वक्त मास्क को नीचे नहीं करना है दोस्तों। यही दुर्घटना हो रही है कि आप मास्क को लगा तो रहे हो लेकिन किसी से बात करते वक्त आप मास्क को ऐसे कर लेते हो या नीचे करके बात कर लेते हो और फिर लगा लेते हो। जब आप खाली जा रहे हो तो आप मास्क को लगा लेते हो, जब किसी के आसपास पहुंचते हो बात करने के लिए मास्क नीचे कर लेते हो थोड़ा सा, क्योंकि आपको लगता है तो सामने ठीक ठाक बंदा बैठा है इसको क्या होगा। गलतियां हम सिर्फ यहीं पे कर रहे हैं कि जब हम बार बार हाथों को धोते नहीं हैं, मास्क लगा लिया बस हो गया ठीक। एक तो मास्क में गलती, क्योंकि मास्क इस साइज़ का है या इस ढीला इतना है, इसकी गलती। दूसरा, मास्क को आप गंदे हाथों से टच करते हो जिसपे वायरस लगे होते हैं, तीसरी गलती। और फिर आप अपने फ़ोन को पकड़ लेते हो उसी वायरस वाले हाथ से, क्यों, आप गाड़ी में आके भी आपको हाथ सैनिटाइज़ करने चाहिए थे अपने फ़ोन को उठाने से पहले, लेकिन आपने नहीं करे। तो सैनिटाइज़र भी अपनी जेब में रखें, मैं सच बता रहा हूँ। अगर वहाँ पे जिस भी जगह जा रहे हैं वहाँ जाने से पहले, आने से पहले अपने हाथ को सैनिटाइज जरूर करें। उस दौरान जब भी आप काम पे जा रहे हो कहीं ऐसी जगह पे, अपने मुंह को टच मत करें, अपने हाथ को, चश्मे को, अपने बालों को टच मत करें दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़े। और अगर टच करना है पहले हाथों को सैनिटाइज कर लें। इसका मतलब क्या, इसका मतलब आपको हर 5-10 मिनट के बाद हाथों को सैनिटाइज करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैं क्लिनिक पे ये कर रहा हूँ। मैं हर 5 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करता हूँ, तब मैं किसी चीज़ को हाथ लगाता हूँ, चाहे वो मेरी पर्सनल चीज़ हो चाहे कोई भी चीज़ हो। तो यहाँ पे गलतियाँ यही हो रही हैं कि मास्क की क्वालिटी इतनी ख़राब है लोगों की, ऐसे छुटका सा इस तरह का मास्क लगाते हैं। अबे मास्क नहीं है भाई, ड्रामा है ये जो तुम कर रहे हो ना, ये अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मास्क ढंग का ले लो, अच्छी क्वालिटी का मास्क ले लो, पूरा कवर करो। और बाहर निकलते समय भाई, ठीक है तुम पार्क में हो, ऐसी जगह पे हो वहाँ पे कोई भी नहीं है तो पार्क आप मास्क अपना नीचे कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी शॉप पे हो, किसी मॉल में हो, वहाँ पे गलती भूल के भी मत कर देना। आपको लग रहा है क्योंकि वहाँ पे भिन्न भिन्न तरह के लोग आएंगे, एसिम्प्टोमेटिक करियर भी आएंगे, उन चीज़ों को हाथ लगाएंगे, फिर आप उनको हाथ लगाओगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मास्क की क्वालिटी, मास्क को कैसे लगाना है, मास्क को उतारना कैसे है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मास्क को उतारने से पहले, आपने मास्क लगाया हुआ है, मास्क को उतारने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर लें, क्योंकि आप गंदे हाथ अगर मास्क को लगाएंगे तो मास्क भी गंदा हो जाएगा। अगर आपके पास डिस्पोजेबल मास्क है तो यूज़ करें, थ्रो है, लेकिन अगर आप इस मास्क को बार बार यूज़ कर रहे हो पूरे दिन में 6 घंटे 8 घंटे और आप अपने हाथों को साफ नहीं कर रहे हो, इस मास्क को उतारने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज़ नहीं कर रहे हो, तो ये आपको होगा ही होगा इन्फेक्शन। मेन इंपॉर्टेंस ये है कि मास्क का लगाना कैसे है, मास्क की क्वालिटी कैसे है, क्या पूरे नाक और अपनी मुंह को कवर करते हो नहीं करते हो, और क्या आपका मास्क असली है नकली है, क्या मास्क को उतारने से पहले अपने हाथों को साफ करते हो नहीं करते हो, क्या हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद अगर आप बाहर निकलते हो अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। कई बार मास्क लगाने के बाद इंसान सोचता है मैं तो सेफ हो गया और बगल में जाके खड़ा हो जाता अपने दोस्त के, बड़े दिन हो गया यार दोस्त से नहीं मिले और दोस्त भी आ जाता है, और सुना यार क्या हाल है,
पहले हाथ नहीं मिलाते थे, अब सॉरी पहले हाथ मिलाते थे, अब दूर से ही कर देते हैं भाई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और भाई की हाल है? ठीक है, और सुनाओ काम धंधा कैसा है? अजी काम तो बेकार ही है, क्या है ये कोरोना के चक्कर में सब बर्बाद हो गए। अब ये दोस्त जो हैं, ये दोस्त मास्क नीचे कर लेते क्योंकि दोस्त हैं, बस यही गलती हो गई, क्योंकि उनमें से किसी एक को भी कोविड हो सकता है जो एसिम्प्टोमेटिक है। यारी दोस्ती रिश्ते नाते यहाँ नहीं चलेंगे, ये सोच लो, इस वायरस में कोई रिश्ते नाते यारी दोस्ती नहीं चलेगी। अगर आप अपने दोस्त से मिल रहे हो भाई, आप गलतफहमी में हो। आपने किसी पार्टी में जा रहे हो, वहाँ पे भी अगर आप अपने रिश्तेदारों से मिल रहे हो, तो अगर आप ये सोच रहे हो ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे दोस्त हैं, आप फंस जाओगे। आपको ये मान के चलना है कि सामने वाला हर पेशेंट कोविड का पेशेंट है और आपको भी कोविड हो सकता है। इसी तरह से आपको बिहेव करना है अपने घर वालों से, सामने वालों से। और ये मैंने बताया कि हम मास्क को कैसे मास्क के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं, दिखाने के लिए मास्क मत लगाओ इस तरह का, ये मास्क नहीं है। आपका नाक पूरा कवर होना चाहिए, आपका मुंह कवर होना चाहिए, और मास्क को उतारने से पहले सैनिटाइजर यूज़ करें, मास्क को लगाने के बाद भी सैनिटाइजर यूज़ करें, क्योंकि इस मास्क को भी आप अगर गंदा कर दोगे तो ये मुंह में अंदर ही जाएगा सारा वायरस। आपको ये बात समझ ही नहीं आ रही है? और मास्क लगा के अगर आप सोचो कि सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो जाएगी, भूल जाओ। आपको सब कुछ याद रखना पड़ेगा, तीनों चीज़ें, सोशल डिस्टेंसिंग घर पे भी करनी पड़ेगी, और जब आप घर घुसें तब भी करनी पड़ेगी, बाहर भी करनी पड़ेगी। और अब आपको कहोगे घर इतने छोटे वहाँ पे क्या सोशल डिस्टेंसिंग? सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर वालों से बिल्कुल दूर हो जाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप जब भी घर में घुसो तो सबसे पहले उनके पास जाने से पहले अपने आप को पूरा साफ कर लो, अपने हाथों को सैनिटाइज कर लो, अपना मुंह को धो लो, हर चीज़ नहा सकते हो तो नहा लो, कपड़ों को धोने में डाल सकते हो तो डाल दो। थोड़ा सा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, थोड़ा मेहनत वाला काम है, बस ये है। तो ये था एक टॉपिक कि कैसे हम खिलवाड़ कर रहे हैं अपने साथ, और ये गलतियाँ कहाँ पर हो रही हैं। गलतियाँ तभी हो रही हैं दोस्तों जब हम सामने वाले को ये मान लेते हैं ये मेरा दोस्त है, इसको कहाँ से कोविड है, ये तो ठीक ठाक खड़ा है, बस यही गलती है। जिस दिन ये मानना शुरू कर दोगे कि सामने वाला कोविड का पेशेंट है, आप ठीक हो जाओगे। और दोस्तों मास्क के साथ मजाक मत करो, ये खिलवाड़ जो आप करते हो ना दिखाने के लिए, मास्क जो लगाते हो ठीक नहीं है। अच्छी क्वालिटी का मास्क ले लो, एक बार 200-300 रुपये खर्च करने पड़े, 150 रुपये कर लो, क्योंकि आप बाकी चीज़ों पे इतना पैसा खर्च करते हो, टेस्ट करते हो, इतने महंगे महंगे टेस्ट हैं, लेकिन आप मास्क के ऊपर सैनिटाइज़र के ऊपर पैसा खर्च कर लो। अपनी जेब में एक सैनिटाइज़र की बोतल हमेशा रखो, कहीं पर भी जाओ वो बोतल आपके साथ होनी चाहिए दोस्तों। दारू की बोतल लेके घूमते, दारू की बोतल से ज़्यादा ज़रूरी ये सैनिटाइज़र की बोतल है, ठीक है? इसको रखें अपने पास, बार बार हाथ साफ करें, और सामने वाले से डिस्टेंस मेंटेन करें, चाहे वो आपका कितना भी क्लोज क्यों ना हो, ठीक है? चाहे आपका जिगरी यार क्यों ना हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड क्यों ना हो, कोई भी हो, सच बता रहा हूँ, भूल जाओ इस समय गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। और आपको होगा, फिर धीरे धीरे आपके घर वालों को भी हो जाएगा, क्योंकि आप घर में जाओगे वापस, माँ बाप तो निकल नहीं रहे घर से, लेकिन फिर भी उनको हो रहा है। तो ये था छोटा सा टॉपिक कि आपसे हमारे से क्या गलतियां हो रही हैं, यही है गलती बस। थैंक यू वेरी मच, आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। अगर अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर नवनीत काला शो, और मैं कोशिश करूंगा ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक लेकर आपके सामने आता रहूं, और आपको पकाता नहीं रहूं, आपको कुछ जानकारी देता रहूं, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय।